Thank you, Ritesh. I don't deserve all these wonderful words. The inspiration for my hard work in this book is entirely one and only one inspiration, and that is Opie Nair. That's it. He's completely in my veins. He's in my cells. He's in my brain. He's in my heart. He's in my spirit. So a big round of applause for Opie Nair. Thank you. I'd like to invite a wonderful person who has been an actor, has been a very good singer, and also the son of a very, very wonderful singer called Mahendra Kapoor. His son, Ruhan Mahendra Kapoor, please, I'd like you to come on the stage. Please do come. We will also be inviting Kersey Lord. We'll also be inviting Sadhna Singh to come on the stage. But Ruhan, please do start. We'd love to hear from you a couple of songs from you, and also a little bit about your father's work with Opie Nair. A big round of applause for Ruhan Mahendra Kapoor. Do speak about your father and also about your love for Opie Nair. Sure. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, a lovely applause for Kersey Lord, son. A veteran, a great musician. I wouldn't say I've been seeing him. He's been seeing me since this age. And, दोस्तों आप लोग शायद मैं एक चीज समझाऊं आपको कि कंपोजर जो थे वो गाने की धुन बनाया करते थे, शायद आप ही जानते होंगे, लेकिन उसके बीच की जो ब्यूटीफुल म्यूजिक है जिसके कारण कई बार वो गाना आपको याद रहता है, आपके जहन में बैठ जाता है, उसके लिए ऐसे लोग जिम्मेवार हैं. पार एक्सेलेंस म्यूजिशियन, अ पार एक्सेलेंस कंपोजर, और उससे भी पार एक्सेलेंस ह्यूमन बींग. माई सल्यूट टू Kersey Lord साहब. दोस्तों मैं आभारी हूं लता जी का, मानिक भाई का, के और फाल्गुनी जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ याद किया, इतनी प्यारी ऑडियंस के सामने आने का मौका दिया. मैं माफी चाहूंगा, मैं दिल्ली से आया हूं और थोड़ा थका हुआ था, तो मैंने इजाजत ली कि मैं जल्दी आ जाऊं. नियर साहब के बारे में मैं सोच रहा था जब मैं आ रहा था दिल्ली से, तो मैंने सोचा, मुझे बहन ने कहा कि कुछ कहिए आप, तो मैं क्या कहूं, इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने ऑलरेडी आपको बताई हैं नियर साहब के बारे में. लेकिन मेरी एक बात मेरे जहन में अटक गई कि कुदरत ने, मालिक ने जब एक इंसान या किसी भी चीज को बनाया हो तो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट हाथ में होती है कि नहीं किसी साहब. लेकिन महज एक नियर साहब की धुनें हैं जिसकी शायद मालिक ने एक्सपायरी डेट लिखी नहीं है. उनकी धुनें जो हैं वो जब रिलीज हुई थी तब भी उतनी प्रिय हैं, आज भी उतनी प्रिय हैं, और शायद 100 साल बाद भी उतनी प्रिय रहेंगी लोगों को. तो ये उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी, अपने काम के प्रतीक. बड़े कड़क मिजाज के आदमी थे, समय के साथ बड़े पाबंद थे वो, और किसी का बर्दाश्त नहीं करते थे कि वो लेट आए. लोग कहा करते थे म्यूजिशियंस के, अपनी घड़ी अगर नियर साहब ने कहा 9 बजे की वो आएंगे 9 बजे, तो आप 9 बजे अपनी घड़ी मिला सकते हैं सर. और इतना डिसिप्लिन, इतना डेडिकेशन, फिर ऐसा संगीत पैदा होता है जैसा आप सुन रहे थे. इतना अच्छा हमारे यहाँ के गायक गा रहे थे, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था. बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर सिंगर्स हैं, सुरवेश हैं और बाकी सब जो हैं बहुत सुरीले और अच्छे म्यूजिशियन हैं. मैं श्योर ऑफ कोर्स, और मैं जितना कुछ बोल रहा हूँ या बकबक कर रहा हूँ वो इसलिए बिकॉज मेरा बचपन से डैड के साथ जाना जरूर था, मुझे बहुत शौक था, और डैड के साथ उन्होंने बहुत सी फिल्में की हैं. बड़े खुश नसीब रहे, बड़े अच्छे अच्छे सिंगर्स ने उनके साथ काम किया. जैसे आपने देखा रफ़ी साहब तो वेटरन थे ही थे, मुकेश जी, तलत साहब, सब ने गाया है, किशोरदा, आशा जी, तो अनबिलीवेबल इतनी ब्यूटीफुल गाने उन्होंने कंपोज किए हैं. और डैड के साथ उनका बहुत प्यार था. एक बार तो वो घर पे आ गए, मुझे एक बार, सॉरी एक दो मिनट लूँगा आपसे किसी साहब, मुझे डैड का फ़ोन आया, मैं स्कूल से लौट कर आया था, मैं छोटा सा था, और मुझे कहा डैडी ने फ़ोन करके
कि बेटा तुम स्कूल से आ गए. मैंने कहा हाँ. तो नैयर साहब, ओपी नैयर साहब आने वाले हैं घर पे, तुम उनको बिठा के बेटा चाय वाय पिलाना, मैं पहुंच ही रहा हूं. अब मुझे क्या मालूम था कि कैसा उनका मिजाज है. वो घर पे आए, घंटी बजी और आकर बैठ गए. वो चुप, टोपी पहनी हुई और आकर यूं देखते रहे. आके प्रणाम किया और बैठ गया वहां पर. और मैं उनकी शक्ल देखूं, वो मेरी शक्ल देखें. और हम एक दूसरे को काफी देर तक इस तरह देखते रहे. फिर मुझे लगा यार ये तो गड़बड़ हो गई, कितने मंदिर. वो पंजाबी में बात किया करते थे. तो मैंने कहा भाई वो रिकॉर्डिंग में अंकल वो हैं, वो आने वाले थोड़ी देर में. अच्छा. वो बार बार अपनी घड़ी देखें. तो इतनी देर में मैंने, मुझे समझ ना आया, लेकिन मैंने पता नहीं कैसे उस मालिक ने वो कुछ सोच दे दी. मैंने उनसे गुफ्तगू करनी शुरू कर दी, बातें करनी शुरू कर दी. मैंने कहा अंकल मैंने आपका म्यूजिक सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा. और बातों बातों में उनको मालूम नहीं पड़ा कि आधा घंटा कैसे निकल गया. अब ओपी नैयर आधा घंटा वेट करे उनके लिए बहुत बड़ी बात थी. इतनी देर में डैडी आ गए स्टूडियो से. तो पहली बात कहते हैं ओए मिंदर. डैडी को कहते मिंदर जी थोड़ा बेटा वो इतना ही चला के जितने तुम हो. मैंने क्यों. कहते आधे घंटे से मुझे उलझाए हुए रखा है इन्होंने बातों में और मुझे मालूम नहीं पड़ा यार आधा घंटा लेट हो गए आप आने में. पापा जी मैं माफी चाहता हूँ, रिकॉर्डिंग ऐसी थी, वो देर लग गई उसमें. तो हंस पड़े. बड़े प्यारे इंसान थे लेकिन वक्त के इतने पाबंद थे. वो हरदम हमें उस बात का याद आएगी, जब जब नैयर साहब को याद करेंगे ये बात याद रहेगी कि कितने वक्त के पाबंद थे. मैं आप लोगों से इजाजत लूंगा. मैं First of all, I'm grateful I'm being called here. I was always very fond of OP and we were very, I mean, always worked from him from very beginning, 48 onwards. And I was more like a Ladla because of my dad. Na? So he had one habit, like Rohan said, that is correct. It's discipline, the best of musicians is sent back if they're late. But I remember ke we had 4 hour shift and then overtime. And OP never took more than 2.5 to 3 hours. 3 hours, his song is packed up. Na? So he'll say, pack up, and if and suppose he's made a mistake, and he'll say, Nayar sahab, ek aur. Tumne mistake kiya hua hai, toh lunga. That was his habit. Na? Even music director, the record is Minu Katrak, even if he says, Nayar sahab, ek aur lijiye na. Minu, tumne garbar kiya toh lene ke wala. So I was just thinking of why this is happening like that. So after about 6-7 years, I asked him, नैयर साहब वोट आपका तो ओवरटाइम होता ही नहीं, तो आपने ऐसा क्यों करते, एक और लेते ना शायद अच्छा टेक मिलता. बोलता नहीं अच्छा टेक मिल सकता था, पर जो मेरे को फ्रेशनेस फर्स्ट टेक में मिलती वो नहीं मिलेगी ना. ही एब्सोल्युटली राइट ना. ही वाज एब्सोल्युटली राइट. थैंक यू सो मच. आई जस्ट रिक्वेस्ट रुहान टू गिव अस अ कपल ऑफ सॉन्ग्स प्लीज. Just a small request. Thank you, Kelsey. Thank you so much. Round of applause for Mr. Kelsey Lloyd, please. Thank you.